प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी भारत के अपने 2 दिन के दौरे के आज पहले दिन सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तो सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी नूं हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस गड्डी का निरीक्षण किया और गड्डी में सवार स्कूली बच्चों तो इलावा क्रू मैंबरां नाल भी गलबात की। तेलंगाना ते आंध्र प्रदेश सूबियां विच दूजी वंदे भारत एक्सप्रैस रेलगड्डी है। इस मौके तेलंगाना दी राज्यपाल डॉक्टर तमिल सई सुंदरा राजन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अते केंद्रीय सभ्याचार मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। मगरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना विच 11,355 करोड़ रुपए तो वध दे कई विकास प्रोजैक्टां दा उद्घाटन अते भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने तकरीबन 715 करोड़ रुपए लागत वाले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के मुड़ विकास प्रोजैक्ट का नींह पत्थर भी रखा। सिकंदराबाद परेड ग्राउंड विच एक जनसभा को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अते सबका प्रयास केंद्र सरकार के मंत्र ने अते इस नूं लागू करन नाल ही डॉक्टर बी आर अंबेडकर की कल्पना के असल लोकतंत्र का सुपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि अज देश भर में रेलवे का विकास चंगी पद्धर से किया जा रहा है। 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है।